हाय किड्स, आज हम लोग देव एंड कावी की नई स्टोरी सुनेंगे। हर बार देव एंड कावी कुछ नया सीखते हैं। आज जानते हैं कि देव और कावी ने क्या नया सीखा। कावी लर्न्स शेयरिंग। कावी ने शेयरिंग करना सीखा। देखते हैं कैसे। एक दिन कावी खेल रही थी, अचानक से उसको कुछ बहुत अच्छा दिखा। ओह, वो क्या है? वो जल्दी से उस चीज के पास गई और उसने देखा, वाओ, ये तो न्यू क्रियोन्स है और कितने सुंदर है। वाओ, न्यू कलर्स, मैं इनसे कलरिंग करूंगी, बहुत मजा आएगा। वो बहुत खुश हुई। तभी वहां पर देव आया। देव ने कहा, हाय कावी, तुम कैसी हो? हाय देव, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। ओह, बहुत अच्छा, पर क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम इतनी खुश क्यों हो कावी? मैं मेरे न्यू कलर्स के लिए खुश हूँ देव। मेरे को न्यू क्रियोन्स मिले हैं, मैं इनसे अपनी सुंदर यूनिकॉर्न ड्राइंग में कलर्स करूंगी, बहुत मजा आएगा। वाओ कावी, तुम्हारे कलर्स तो सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। क्या तुम मुझे उनके साथ शेयर करोगी? क्या तुम मुझे अपने न्यू क्रियोन्स शेयर करोगी? मैं भी अच्छी कलरिंग करूंगा। वो तो मेरे कलर्स हैं, मैं नहीं शेयर करूंगी। वो मेरे न्यू कलर्स हैं, मैं ही उनसे कलर करूंगी देव। हाँ, मैं अपने न्यू कलर्स तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगी देव, वो मेरे न्यू कलर्स हैं। ओह, देव को आज बहुत अलग लगा। बट क्यों कावी, हमें तो हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ अपने टॉयज, अपनी चीजें शेयर करना चाहिए। हम लोग को तो हमेशा शेयर करना चाहिए, शेयरिंग करना तो अच्छी बात होती है। पर और मैं तो तुमसे हमेशा सारी चीजें शेयर करता हूँ, अपने सारे टॉयज भी शेयर करता हूँ। प्लीज मेरे साथ अपने क्रियॉन्स शेयर करो। नहीं, मैं नहीं करूंगी। ओके, अगर तुम्हारे को मुझसे अपने टॉयज और अपने क्रियॉन्स शेयर नहीं करने, तो फिर मैं जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। और देव वहां से चला गया। तभी कावी ने कहा, हाँ देव क्यों चला गया? पर देव तो बाहर पार्क में आ गया, और जैसे ही वो पार्क में आया, उसको वहां पर यूनिवर्सिटी मिल गई। कलरफुल, ब्राइट, सुंदर सी यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी ने पूछा, हाय देव, क्या हुआ? तुम क्यों सैड हो? क्या हुआ? देव ने कहा, मैं सैड हूँ क्योंकि कावी ने मुझे नो कहा है शेयरिंग के लिए। वो अपने क्रियॉन्स मुझसे शेयर नहीं कर रही है, उसने मुझे अपने क्रियॉन्स देने से मना कर दिया। उसने कहा वो मुझसे शेयर नहीं करेगी। पर देव, क्या तुमने प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करी कि कावी तुमसे अपने क्रियॉन्स क्यों नहीं शेयर कर रही? क्या तुमने ये सोचा देव? हो सकता है कावी को पता ही नहीं है कि हमें कलर्स को शेयर करना चाहिए। हो सकता है कावी को ये बात नहीं पता है यूनिवर्सिटी कि हमें हमेशा अपने टॉयज और चीजें फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए। वाओ देव, तुमने समझ लिया। यही प्रॉब्लम है कि हो सकता है उसको पता ही ना हो। और जब भी हम अपनी प्रॉब्लम को पहचान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? वी ऑलवेज लुक फॉर सल्यूशन। यस, हम हमेशा सल्यूशन ढूंढते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, हम कभी रोते नहीं है, हम हमेशा सल्यूशन ढूंढते हैं। राइट, तो देव, इस सिचुएशन में क्या सल्यूशन होगा? सोचो सोचो, क्या सल्यूशन होगा इस सिचुएशन में? यस, हमें कावी को बताना चाहिए, हमें कावी से बात करना चाहिए, उसको शेयरिंग के बारे में बताना चाहिए। राइट,
तो देव को भी सलूशन मिल गया। देव भी स्माइल करने लगा और देव ने कहा, ओह हाँ यूनिवर्सिटी, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल, मुझे कावी के साथ बात करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि शेयरिंग तो बहुत अच्छी चीज होती है। इसके बाद दोनों यूनिवर्सिटी और देव खुश हो गए और दोनों कावी के पास जाने के लिए चले गए। पर इधर कावी सोच रही थी कि देव मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहा है, मैं उसको मिस कर रही हूँ, वो तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, हम लोग हमेशा साथ में खेलते हैं, पर अब तो देव मेरे साथ खेल ही नहीं रहा, मुझे उसकी याद आ रही है। थोड़ी देर बाद यूनिवर्सिटी और देव आ गए। यूनिवर्सिटी ने कहा, हाय कावी, कैसी हो तुम? कावी ने कहा, यूनिवर्सिटी, देव मेरे साथ नहीं खेल रहा है, उसको पता नहीं क्यों मेरे साथ वो नहीं खेल रहा है, उसको क्या बात बुरी लगी है, बट मेरे को उसकी याद आ रही है, मुझे तो उसी के साथ खेलना है, मैं क्या करूं? यूनिवर्सिटी ने कहा, कावी, क्या तुमने इस बात को सोचा कि क्यों देव तुमसे नाराज हो गया और वो क्यों तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा? क्या तुमने इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की? मुझे नहीं पता यूनिवर्सिटी कि देव मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहा और वो मेरे साथ क्यों गुस्सा हो रहा है, पर मुझे नहीं पता। कावी, क्योंकि तुम अपने क्रेयॉन्स देव के साथ नहीं शेयर कर रही हो, यही देव को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग तो फ्रेंड्स हैं और हमेशा हमें अपने चीजें और टॉयज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि तुमने देव के साथ अपने क्रेयॉन्स शेयर नहीं करे, इसीलिए देव को बुरा लगा और वो चला गया। क्या तुम्हें अब समझ में आया? ओ, अब तो कावी को भी सलूशन मिल गया, कावी भी खुश हो गई। हाँ यूनिवर्सिटी, मुझे समझ में आ गया कि क्यों देव मुझसे नाराज हो गया और वो क्यों मेरे साथ खेल नहीं रहा। आई एम सॉरी देव, अब मैं भी ऐसे गंदी बात नहीं करूंगी और तुम्हारे साथ अपने क्रेयॉन्स शेयर करूंगी, मैं तुम्हारे साथ अपने सारे सबको सोल्यूशन मिल गया। एंड दे ऑल बिकेम हैप्पी, वो सब खुश हो गए और वो लोग फिर से बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। उन्होंने बहुत सुंदर ड्राइंग भी की। दी एंड। तो बच्चों, हमें समझ में आया कि शेयरिंग इज केयरिंग, हमें हमेशा अपने टॉयज और अपनी चीजें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए, ये अच्छी बात होती है, तभी कोई अपने टॉयज भी हमारे साथ शेयर करेगा। ओके, तो बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मुझे बताइए, अगर आपके पास एक बहुत अच्छी टेस्टी कुकी है या बिस्किट्स है या चॉकलेट्स है, आप क्या करेंगे? क्या आप सारी बिस्किट खुद ही खा लेंगे या फिर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे? थोड़ी कुकी आप खाएंगे और थोड़े आपके फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, क्या करेंगे आप, जल्दी बताइए। यस, हम हमेशा अपने टॉयज, अपनी कुकीज, अपने बिस्किट्स, अपनी चीजें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। राइट, बिल्कुल सही, वेरी नाइस। और ऐसी मजेदार स्टोरीज सुनने के लिए देखते रहिए देव एंड कावी स्टोरीज।